हेलो दोस्तों, आज हम अगेन एक नए शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे जिसका नाम है सरस्वती साड़ी डिपो लिमिटेड। इस शेयर में आगे बढ़ूँ उससे पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये मेरे पोर्टफोलियो में एक स्टॉक है, तो इसलिए याद रखिएगा, मेरे कहने पर या किसी और के कहने पर या इस वीडियो को देख के अपना डिसीजन नहीं बनाना। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर अपना डिसीजन बनाना है, चाहे बाइंग का हो चाहे सेलिंग का हो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इस पर्टिकुलर शेयर से लेके कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, वो सब जानेंगे। बट उससे पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट और नोटिफिकेशन को ऑन करें। बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है, चीजों को सीखने पर फोकस करना। और सीखने के लिए क्या है, हमेशा कहता हूँ वीडियोज, जाके वीडियोज देखिए। जितनी वीडियोज देखेंगे आपके ही काम आनी है, आपको ही पता चलना है कि किस तरीके से चीजें काम करती है। दूसरी बात, अगर आप सच में स्टॉक मार्केट के वर्शिपर हो, है ना, स्टॉक मार्केट में सच में ही काम करना चाहते हो, सही से सीखना चाहते हो, है ना, तो सीखना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप हमारा कोर्स, जहाँ पर 25,000 रुपये में केवल बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च, फंडामेंटल, शेयर क्यों भागते हैं, शेयर क्यों गिरते हैं, शेयर कौन से लेने चाहिए, कौन शेयर कौन से बेचने चाहिए, आपको पूरा एक आइडिया नजर आता हुआ नजर आएगा। और 3 मंथ के हैंड होल्डिंग स्ट्रेटजी यूजिंग स्टॉक मार्केट ऑनलाइन नोट सब दिए जाएंगे। और 1 जनवरी 2025 से इस कोर्स की कीमत सीधे डबल होगी 50,000 रुपये। 8860540501, 8169261037, दोनों नंबरों को सेव कर लीजिए और आप हमारे साथ मिलकर यहाँ पर काम कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं हम इस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड। तो यहाँ पर इसका नाम है सरस्वती साड़ी डिपो। कंपनी करती क्या है, तो देखिए 1996 में ये फाउंड हुई थी, ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे तो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साड़ी अपेरल्स। तो आप यहाँ पर देखोगे साड़ी से रिलेटेड जो यहाँ पर ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, बनाती भी खुद है, उनका होलसेल बिजनेस भी है, और छोटे जितने भी आपको रिटेल इन्वेस्टर रिटेल यहाँ पर दुकानें मिलती है, और साड़ी उन इन्हीं की यहाँ पर इन्हीं की मैन्युफैक्चरिंग से जाती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर आप जाइए, इनके बारे में पढ़ लीजिए, आपको सब पता चलेगा कि ये स्पेशलाइजिंग इनकी साड़ी में है। अदर यहाँ पर वोमेन अपेरल, जैसे कि यहाँ पर बात करें कुर्ती, ड्रेस मटेरियल, ब्लाउज पीसेस, लहंगा एंड बॉटम, यहाँ पर अलग अलग तरीके की यहाँ पर चीजें बनाते हुए नजर आते हैं। सारा का सारा विमेन अपेरल्स होता हुआ नजर आता था। कंपनी सोर्सेस प्रोड्यूस ओवर 900 वीवर्स एंड सप्लायर्स अक्रॉस इंडिया, है ना, तो अच्छा खासा 900+ सप्लायर्स है इनके। यहाँ पर हम बात करें विद अ की रिलेशनशिप हब लाइक सूरत, वाराणसी, मऊ, मदुरई, धर्मवीर, कलकत्ता एंड बेंगलुरु, ये अच्छे अच्छे प्लेसेस है जहाँ से पूरे इंडिया में ये साड़ी जाती हुई नजर आती है ना। यहाँ पर ये इनके साथ अच्छे खासे रिलेशनशिप है। इसके अलावा साड़ी में आप देखें तो यहाँ पर आपको पता चलेगी बाय ओकेजन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओकेजनली जो यहाँ पर मतलब वेडिंग्स वगैरह, पार्टी वगैरह के लिए, है ना, फैब्रिक वीवन, किस अलग अलग तरीके के इनके प्रोडक्ट रेंज है। ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें तो इनका जो यहाँ पर आप देखेंगे कैटलॉग इंक्लूड ओवर लगभग 3 लाख SKUs है। द मेजोरिटी ऑफ प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन द वेस्टर्न एंड द सदर्न रीजन ऑफ इंडिया। तो हम बात करें वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में यहाँ पर काम करता हुआ नजर आता है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, और जैसे कि यहाँ पर बात करें कलकत्ता वगैरह भी अपने आपको ये एक्सपेंड भी कर चुके हैं अच्छा खासा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। महाराष्ट्र 79%, क्योंकि वहीं की कंपनी है, कर्नाटका 17%, गोवा से 3.5%, और अदर प्लेसेस से भी अच्छा खासा इनका काम है, ठीक है ना। आगे यहाँ पर आप देखोगे और भी जानना चाहते हो तो यहाँ देख लीजिए, साड़ी से 91%, कुर्ती से 5%, ब्लाउज पीसेस से 1.5%, पैंट एंड शर्ट पीसेस से 1%, अदर से 1.5%, इनका ये पूरा का पूरा क्या है, ये चीज है। अभी आईपीओ आता हुआ दिखाई दिया था, और इसी प्राइस पे जो चल रहा है ना, इसी के आसपास ये आईपीओ आता हुआ दिखाई दिया था, जिसमें आप देखें कि 104 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू था। बाकी यहाँ पर देखेंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ये है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस से इस तरीके से यहाँ पर ये आईपीओ लाते हुए नजर आए, ठीक है। और एकमात्र लौता मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में साड़ी से, पर्टिकुलर साड़ी से रिलेटेड स्टॉक केवल यही नजर आता हुआ दिखाई देता है। माइक्रो कैप कंपनी है, 610 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। जब मैं ऐसे माइक्रो कैप स्मॉल कैप की बात करूँ तो दो चीज याद रखना, सबसे पहले हमारी एक्सपर्टीज इसमें है ना, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर, इसलिए हमारे चैनल का नाम दिया। दूसरी बात पर हम बात करें सरस्वती साड़ी डिपो की, तो स्मॉल कैप ये शेयर है, माइक्रो कैप है, तो मतलब क्या है, रिस्क भर भर के है। जब शेयर गिरता है तो आपको पता चलेगा कि शेयर किस तरीके से गिरता हुआ नजर आया है। अभी तो 200 रुपए वाला 150 आया है, कब 100 भी आ जाएगा पता भी नहीं चलेगी।
और इसी तरीके से जब ये शेयर भागना शुरू करेगा तो यही शेयर कब 300, 400, 500, 1000 रुपए टच कर जाएगा वो भी हमें पता नहीं चलेगी। तो याद रखिए, सही टाइम पर लेना है, सही टाइम पर बेचना है, रिस्क मैनेजमेंट को, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को, ये सब चीज को फॉलो करना है, जो कि आगे हम जब चार्ट में बात करेंगे तो आपको यहाँ पर चली जाएगी। 20 का पी है, इंडस्ट्री का पी 36 का है, तो सस्ता नजर आ रहा होगा, बट स्टिल मैं हमेशा कहता हूँ पी के बेस पे काम नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको चीजों को देखना है, समझना है, टेक्निकल फंडामेंटल, उसके बेसिस पे यहाँ पर अपनी पूरी रणनीति तैयार करनी है। आरओसी आरओवी की बात करें 45 और 58% के आसपास है, ठीक है, अच्छी खासी यहाँ पर दिखाई देती है, बट स्टिल मैं हमेशा कहता हूँ इसके बेस पर भी काम नहीं करना, ठीक है। सेल्स की बात करें, सेल्स ग्रोथ अच्छी खासी है, कंपनी की रिटर्न ऑन एसेट 15% के आसपास है, डेट कंपनी के पास 67% का है, 10 का फेस वैल्यू है, ठीक है, तो अच्छे रीजनेबल यहाँ पर प्राइस पाया था, बट मार्केट ने इसका साथ नहीं दिया और शेयर उस तरीके से यहाँ पर नहीं चल पाया जिस तरीके से इसे जैसे आईपीओ चलते हैं। बात करें अभी की, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कंपनी के नंबर, थोड़ा सा मैं पीछे ले लेता हूँ, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा क्वार्टरली नंबर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के क्वार्टरली नंबर, यहाँ पर देखिए सेल्स, तो सेल्स कितनी है 129, 122, 130, तो यहाँ पर इसी रेंज में यहाँ पर सेल आती हुई दिखाई दे रही है। 2023 जून की बात है, अभी की बात करें तो लगभग लगभग सेम सेल आती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर आप देखोगे कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो वो 4 से 4, 4.26, अभी 6 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। मार्जिन की बात करें, 4, 5, 6% का ही यहाँ पर कंपनी को मार्जिन मिलता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़े तो ईयरली बेस पे आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि 600 करोड़ रुपए तक की साड़ी यहाँ पर ये पर्टिकुलर कंपनी बेचती हुई नजर आती है। 12, 23, 30 के आसपास का यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिखाई देता है। और बात करें रिजर्व्स की, तो कंपनी के रिजर्व्स यहाँ पर अभी ऐसा दे नहीं रखा, बट स्टिल यहाँ पर हम बात करें रिजर्व्स की, तो यहाँ पर रिजर्व्स थोड़ा सा देख लेते हैं, तो यहाँ पर पता चलेगा 32 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स है, बोरिंग 43 करोड़ के आसपास की है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे कंपनी ने वर्किंग प्रोग्रेस में कोई पैसे नहीं लगा रखे, आगे का कंपनी को पास पैसे पड़े हुए हैं, बट कंपनी को पता नहीं है कि एग्जैक्टली करना क्या है। कंपनी के कैश की बात करें, 10 करोड़ का कैश भी पड़ा हुआ है, नेगेटिव यहाँ पर कैश फ्लो है इस क्वार्टर का। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पता चलेगा प्रमोटर्स के पास 75% के शेयर है, ठीक है, जो इक्वल होना चाहिए उस जो सेवी का रूल है उसके हिसाब से, ठीक है। एफआई 3.32%, डीआई 6.64%, ठीक है, डीआईज में देख लीजिए कौन है, एफआईज में देख लीजिए। पब्लिक की बात करें, 15% के शेयर यहाँ पर, 15% पब्लिक यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टेड है। थोड़ा सा और जाओगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा बाइंग सेलिंग चलती रहती है, कभी ये बाइंग कर लेते हैं, कभी सेल कर देते हैं, वो यहाँ पर चलते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आगे बात करें तो देखिए शेयर इसी प्राइस के आसपास आया था, ठीक है, आके ऊपर 200, 212 तक लिस्ट हुआ, उसके बाद गिरता हुआ नजर आया और इसी यहीं पर ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एग्जैक्टली क्या नजर आता है, क्या एग्जैक्टली हो सकता है, क्या हमें करना चाहिए, वो चार्ट में क्या दिखाई देता है वो बात करेंगे। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन ऑन करें। बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीजों को सीखना है, नंबर नोट कर लीजिए, काम कर सकते हो साथ में, सीख सकते हो, है ना। आगे बढ़ते और जानते हैं एसएचडीएल की हम बात करेंगे, सरस्वती साड़ी डिपो की, तो आपको पता चलेगा लगातार यहाँ पर गिरा, गिरने के बाद यहाँ पर चीजें एक कंसोलिडेशन करती हुई नजर आ रही है, ठीक है। कंपनी के अभी रिजल्ट आने दीजिए, कंपनी के रिजल्ट आने के बाद एक बार देख लीजिए कि कंपनी किस तरीके से ट्रीट कर रही है, उसके बाद अपना यहाँ पर डिसीजन लेते हुए नजर आइएगा। Q2 के रिजल्ट आने ही वाले हैं, ठीक है, हर जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। मार्केट में भी एज सच कुछ होता हुआ नजर नहीं आया, बल्कि गिरावट ही हो रही है, उसकी वजह से आप यहाँ भी देख रहे होंगे 171 का हाई बनाने का दिए शेयर 154 रुपए के आसपास चल रहा है। अब क्या नजर आता है वो बात कर रहे हैं, देखिए टेक्निकल में एक टर्म होता है डबल बॉटम, यहाँ पर आप देखोगे तो ये शेयर एक डबल बॉटम बनाता हुआ नजर आ रहा है, एक ये, ठीक है, और उसी के आसपास ही। तो क्या अभी लेना चाहिए, बिल्कुल भी मैं राय नहीं दूंगा और वैसे भी राय नहीं दे सकता क्योंकि ये शेयर मेरे पास है, तो इस चीज को याद रखिए, मेरी बाइंग भी इसी के आसपास की। तो डबल टॉप डबल बॉटम काफी अच्छा माना जाता है स्टॉक मार्केट में, बट स्टिल ये कब काम करता है, ये तब काम करेगा जब ये शेयर 173 174 के ऊपर सक्सेसफुली निकलेगा और उसके बाद तेजी होगी, ठीक है। और उस टाइम यहाँ पर रिस्क की बात करें तो रिस्क ज्यादा नहीं, अगर हम यहाँ पर भी एंट्री लेते हैं तो हमारे 4-5 रुपए का रिस्क होता है, जो कि लगभग लगभग आप यहाँ पर देखोगे तो 3-4% के आसपास का रिस्क यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है, तो 3-4% का रिस्क है। और यहाँ से इसके रिटर्न की बात करें तो जैसे ही इसे क्रॉस करेगा तो 212 तो इसके पहले है,
और फिर उसके बाद और ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है, मेरे कहने पर और किसी और के कहने पर नहीं लेना है, सिंपली मैं आपको एनालिसिस कर रहा हूँ। और अगर कोई यहाँ पर अटेम्प्ट भी कर रहा है या किसी के पास है भी, तो याद रखिएगा ये एक स्टॉप लॉस रहेगा 150 रुपए के आसपास का, ठीक है। इसके नीचे आए तो चीजें मुझे नहीं पता कि कितनी नीचे गिरेगी, ये फिर 100 रुपए पे भी आ सकती है और बहुत ज्यादा बेकार भी हो सकती है। जब आईपीओ आते हैं ना तो या तो चीजें निकल जाते हैं या फिर गिरते हुए नजर आते हैं। अब ये गिरने वाला है या निकलने वाला है वो टाइम बताएगा, बट स्टिल कुछ नजर आया है, शायद इसी वजह से मैंने बाय किया है। बट मेरा बाय एक रिस्क के साथ में, ठीक है, 150 के नीचे आएगा तो मैं भी यहाँ पर निकलता हुआ नजर आऊंगा। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और अपने हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से यहाँ पर काम करना है। दूसरी बात, सरस्वती साड़ी की बात करें तो देखिए अभी फेस्टिवल सीजन आने वाले हैं, ये अक्टूबर, इसके बाद नवंबर, ठीक है ना, तो यहाँ पर कुछ फेस्टिवल सीजन आने वाले हैं, दिवाली आने वाली है, ठीक है। तो उस केसेस में क्या होता हुआ नजर आएगा, उस केसेस में ये होता हुआ नजर आएगा कि साड़ी की सेल होती हुई नजर आएगी, कुर्ती की सेल होती हुई नजर आएगी ज्यादा, और इसका इम्पैक्ट आने वाले क्वार्टर Q3 में यहाँ पर दिखता हुआ नजर आएगा। और जब Q3 में ये इम्पैक्ट दिखाई देगा तो शायद इस शेयर की किस्मत बदल सकती है। अभी तो ओवरऑल सारी मार्केट आ रही है तो ये शेयर भी नीचे आ रहा है, बट जैसे ही चीजें अच्छी होती हुई नजर आएगी, एक बार रिजल्ट अच्छे आ गए, तो चीजें यहाँ पर निकल के चीजें ऊपर जाती हुई नजर आ सकती है। तो याद रखिएगा चीजों को बड़े ध्यान से सीख के समझ के यहाँ पर करना है, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से करना है ना। मेरे कहने पर, किसी और के कहने पर लेना नहीं है ना, वीडियो के बेस पर लेना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कुछ की स्टडी करनी है, चीजों को सीखना है, और सीखने के लिए वीडियोस देखते रहिए, हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।